बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हाशमी, खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर स्टील के तादाद तरीन रेट्स के बारे में बताएंगे कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड स्टील का और लोकल स्टील का तादाद तरीन रेट क्या है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह के अपनी तमाम पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन दो हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में स्टील की कीमत के अंदर कमी होने का कभी इम्कान मौजूद है। अगरचे ये कमी कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी 2000-3000 रुपए करके पर टन के हिसाब से इसकी कीमत में कमी आएगी आने वाले दिनों में। आज की डेट में हम देख लेते हैं कि फी टन ब्रांडेड स्टील के अंदर और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बनने वाले लोकल स्टील हैं, उन्होंने अपनी कीमत के अंदर कितनी कमी की है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांडेड स्टील की, और ब्रांडेड स्टील के अंदर हम बात कर लेते हैं 370 या 10 mm स्टील में ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 258 रुपये पर के जी या 2,58,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 260 रुपये पर के जी या 2,60,000 रुपये पर टन। 4 सुतर या 12 mm स्टील यानी जिसे आधी का सरिया भी कहते हैं, ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 256 रुपये पर के जी या 2,56,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 258 रुपये पर जी या 2,58,000 रुपए पर टन। 5 और 6 सूत्र स्टील यानी 16 mm और 20 mm स्टील में ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 256 रुपए पर केजी या 2,56,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 258 रुपए पर केजी या 2,58,000 रुपए पर टन। 7 और 8 सूत्र स्टील यानी 22 mm और 25 mm स्टील में ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 256 रुपए पर केजी या 2,56,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 259 रुपए पर केजी या 2,59,000 रुपए पर टन। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड स्टील में ग्रेड 40 और ग्रेड 60 के तादाद रेट्स, और यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज के मुकाबले में आज की डेट में 3000 रुपए फी टन स्टील की कीमत के अंदर कमी की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टील की कीमत के अंदर कितनी कमी हुई है और उनके आज की डेट के तादाद रेट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर की। लाहौर के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 236 रुपए पर के जी या 2,36,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 238 रुपए पर के जी या 2,38,000 रुपए पर टन। कराची के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 240 रुपए पर के जी या 2,40,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 242 रुपए पर के जी या 2,42,000 रुपए पर टन। इस्लामाबाद के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 238 रुपए पर के जी या 2,38,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 240 रुपए पर के जी या 2,40,000 रुपए पर टन। पिशावर के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 231 रुपए पर के जी या 2,31,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 233 रुपए पर के जी या 2,33,000 रुपए पर टन। गुजरांवाला के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 232 रुपए पर के जी या 2,32,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 234 रुपए पर के जी या 2,34,000 रुपए पर टन। रावलपिंडी के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 238 रुपए पर के जी या 2,38,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 240 रुपए पर के जी या 2,40,000 रुपए पर टन। फैसलाबाद के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 233 रुपए पर के जी या 2,33,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 235 रुपए पर के जी या 2,35,000 रुपए पर टन। मुल्तान के अंदर ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 238 रुपए पर के जी या 2,38,000 रुपए पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 240 रुपए पर के जी या 2,40,000 रुपए पर टन। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टील के आज की डेट के तादाद रेट, और यहां पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोकल स्टील है उसके अंदर 2,000 से 3,000 रुपए पर टन स्टील की कीमत के अंदर आज की डेट में कमी की गई है, और आने वाले दिनों में भी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह मजीद भी स्टील की कीमत नीचे आएगी। और आप स्टील रेट से मुतल्लिक़ अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन मालूमात से बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।